परम शांति। जैसे वायु तत्व है तो वो एक एटम है। अब एक एटम के अंदर आपने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। वो अति सूक्ष्म बात है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन को जो तीन चीज बताई उसको भी तुम तोड़ो, मतलब उसको भी अलग भाग करो, प्रोटॉन को भी तोड़ो तो उसमें से क्वाज निकलेगा, क्वाज को भी तोड़ो तो और भी परम क्वाज निकलेगा। तो परम तत्व अंदर से निकलेगा, परम तत्व अल्टीमेटली वायु तत्व को तोड़ने से, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जब पहले परम तत्व होता है उसको तोड़ोगे, जैसे परम तत्व को तोड़ोगे अंदर, तो अंदर से बहुत तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, कितनी प्रकार तोड़ते जाओ। एक बार तोड़ा, जैसे एटम अणु को तोड़ा तो अंदर से कई प्रकार के परमाणु निकलेंगे, परमाणु को तोड़ा तो अंदर से कई परमाणु निकलेंगे, इसके अंदर और परमाणु, इसके अंदर और परमाणु। कई बार 8-10 बार तोड़ोगे परमाणु 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 परम 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 परमाणु, तो उसके अंदर एक बहुत ही परम आकाश होता है और परम आकाश के अंदर ही सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। तो आप वायु तत्व तो बड़े रूप से ले लेते हो, वायु के अंदर ही परम के अंदर परम वायु, मतलब परम उसके अंदर, जैसे वायु स्थूल वायु हो तो स्थूल वायु के अंदर स्थूल आकाश है, स्थूल आकाश के अंदर फिर धीरे धीरे बड़े रूप से समझाऊ तो परम आकाश है। मगर बहुत अति सूक्ष्म में डेटा पड़ा होता है। जैसे लोगों के जो संकल्प चलते हैं, जो मन की पावर आत्मा से रिलीज होती है, मन की शक्ति, मैंने एक बार एक वीडियो बनाया है, मन की शक्ति कहाँ से आती है, मन को भी पावर कहाँ से मिलता है, मन को भी पावर महतत्व से मिलता है, परम महतत्व से, और परम महतत्व परम लाइट से लेता है। परम लाइट माना आत्मा और परम महातत्व माना आत्मा की शक्ति, माना लाइट और माइट जो हम कहते हैं हमेशा। तो ये आत्मा की शक्ति मन के अंदर आती है और मन की जो वेव्स बनती है, सोच बनती है, जो कर्म बनता है, जो सोचती है आत्मा, आत्मा जो सोचती है, तो उसके मन के अंदर कहाँ से आता है, मन के अंदर परम जो सोच जाती है उसके अंदर परम अग्नि के साथ, पहले उनकी सोच परम अग्नि बन जाती है और परम अग्नि के अंदर परम आकाश होता है। तब ये परम अग्नि कितनी कहाँ तक जाएगी, तो ये जैसे साइंस वाले कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गया, सोच क्या बन गया, लोगों की सोच। ये जैसे टीवी रेडियो चलते हैं तुम्हारे, तो कहीं ना कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जो रिसीवर होते हैं रिसीव करते हैं, एक जगह से ब्रॉडकास्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रो वेव मैग्नेटिक वेव्स, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। तो हर कोई आत्मा की, मन की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, मन की आत्मा की पावर अलग अलग होती है, तो अलग अलग सोच होता है। तो लोगों की जब नेगेटिव सोच होता है तो परम अग्नि अंदर उसके ऊपर भी आवरण चढ़ जाते हैं और वो ये जो परम अग्नि और उसके अंदर परम अग्नि के अंदर भी परम आकाश है, तो उसके अंदर जो हर कोई में जो स्थूल हम वायु तत्व लेते हैं उसके अंदर परम 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 करते जाओ, कई बार तोड़ते जाओ, तो उसके अंदर परम आकाश निकलेगा और परम आकाश के अंदर सभी के वेव्स, सभी की सोच, सभी की नेगेटिविटी रिकॉर्ड होती है। और एक बार जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालो तो ये सीधी अटैक करेगी, परम शांति के वाइब्रेशन सीधी अटैक करेगी परम आकाश तत्व को, क्योंकि परम आकाश में ही सीधी घुसेगी वो, उधर अंदर से होकर वायु तत्व से अंदर घुसती घुसती सीधी परम आकाश में घुसेगी। और परम आकाश में जो कचरा पड़ा है, परम आकाश में भी जो नेगेटिव है वो सब निकाल देगी। इसलिए बहुत गहरी बातें हैं, अभी मैं ज़्यादा तो नहीं समझा सकता क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट तो हूँ नहीं कि इसके और भी टुकड़े करते जाओ, और साइंस की भाषा में समझाना थोड़ा मुश्किल है, जो मेरे को थोड़ा समझ में आया। मगर बहुत गहरा ही होते हैं, वायु तत्व के अंदर कई आवरण होता है, अंदर अंदर जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक एटम वायु तत्व के एक एटम। तो हाइड्रोजन जो बड़े रूप से हम देखते हैं, हाइड्रोजन एक वायु है, H2 है, मगर जब ये हीलियम में कन्वर्ट होता है तो S3 होता है, फिर अगर उसको और भी जलाओ तो S4 होता है,
और अति सूक्ष्म करते जाओ, हाइड्रोजन एक बड़े रूप से है, मगर हाइड्रोजन में अग्नि तत्व भरा है ना, मगर उसको अग्नि तत्व के अंदर और भी तोड़, हाइड्रोजन को और तोड़, हाइड्रोजन का और तोड़ते जाओ, और तोड़ते जाओ हाइड्रोजन, तो वो अंदर से परम अग्नि निकलेगी, मगर परम अग्नि के अंदर परम आकाश होता है। जैसे हमारे स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म आकाश तत्व तो होता है, आकाश तत्व के अंदर भी परम आकाश तत्व के अंदर भी आवरण है परम आकाश का, आकाश तत्व के अंदर भी परम आकाश है, और परम आकाश में पर वायु और परम अग्नि के साथ होता है, इसलिए जिसको हम परम महाकारण शरीर कहते हैं। तो बिना परम तत्व अति सूक्ष्म, मगर उसके ऊपर आवरण चढ़ गए, परम तत्व के ऊपर आवरण चढ़ गए, परम आकाश के ऊपर आवरण चढ़ा, परम वायु परम अग्नि और उसके ऊपर स्थूल आवरण, तो चढ़ते जाओ परम वायु। तो हाइड्रोजन भी कई प्रकार के होते हैं, यहाँ एक प्रकार का देखता है, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जाओ तो बहुत अलग अलग तत्व मिलेंगे। तो हाइड्रोजन एक अग्नि तत्व से बना हुआ है, ऐसे वायु कार्बन जितने भी प्रकार के जो भी स्थूल चीज देखते हैं वो सब नेगेटिव लोगों की सोच है, मगर सोच रिकॉर्ड अंदर अंदर बहुत अति गुह्य में होता है, परम आकाश तत्व में होता है। अगर उसके अंदर परम आकाश को बदल डालो, परम आकाश के अंदर बदलने के लिए परम लाइट चाहिए, अगर परम आकाश के अंदर फिर परम लाइट नहीं मिलेगी, परम लाइट तो केवल जो आत्मा होती है उसके अंदर ही परम लाइट होती है, वायुमंडल में परम लाइट नहीं मिलेगी, परम तत्व तक मिलेंगे, परम आकाश परम वायु परम अग्नि तत्व मिलेंगे, ब्रह्मांड के चारों ओर जो जो स्प्रेड ओर होता है, जिसको चारों ओर स्प्रेड ओर होता है, जो एक संकल्प को बीजी संकल्प, एक ब्रह्मांड से बीजे संकल्प तक ब्रह्मांड तक जा सकता है, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक जाता है पैरेलल, वो परम तत्वों की सोच होती है, परम आकाश तत्व के अंदर सारा रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड में जाता है। अब परम आकाश के अंदर भी अलग अलग क्वालिटी की परम आकाश है, परम आकाश में क्वालिटी समझो, देखो कि 1 कला की परम आकाश, 2 कला की परम आकाश, 3 कला की परम आकाश, 4 कला की, 10 कला की परम आकाश। तो परम आकाश में जैसे ब्रह्मांड में 1 कला की परम आकाश है, और उसके अंदर परम अग्नि परम वायु हमेशा ही होता है, मैंने हमेशा बोला है, जैसे 80% परम आकाश है तो उसके अंदर परम वायु और परम अग्नि 20% रहेगा ही रहेगा। तो ये जैसे 1 कला की परम तत्व है परम आकाश, 1 कला की, तो ब्रह्मांड तक उसके संकल्प जाएंगे, एक जैसे 1 कला की आत्मा है, 1 कला की पावर की आत्मा बनी हुई है, तो ये उसकी सोच के जो वाइब्रेशन जाएंगे वो केवल 1 कला वाली की आत्मा की सोच के वाइब्रेशन एक ब्रह्मांड तक जाएंगे। अगर 8-10 कला के वाइब्रेशन हैं तो 8-10 कला के ब्रह्मांड माना महाब्रह्मांड तक जाएंगे, गैलेक्सी तक जाएंगे। तो ये मगर अंत मूल मूल जिनको हम कहेंगे मूल वायु तत्व के अंदर, मूल वायु तो बहुत ऊपर का आवरण है, वायु और आकाश तत्व, वायु के अंदर आकाश तत्व है, आकाश तत्व के अंदर भी परम आकाश है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और उसमें से कचरा साफ करना पड़ेगा। ऊपर के दो वायु तत्व और आकाश दोनों को रिफाइन करके परम वायु के अंदर जो कचरा पड़ा है उसके अंदर से परम वायु को परम अग्नि को परम आकाश को साफ करना पड़ेगा, परम तत्वों को भी रिफाइन करना पड़ेगा, परम तत्वों को भी साफ करना पड़ेगा, और वो केवल आत्मस्वरूप की जबरदस्त संकल्प शक्ति हाई क्वालिटी परम तत्व होंगे, परम आकाश हाई क्वालिटी, जैसे समझो कि 100 कला का भी हाई क्वालिटी आत्मा को योग कर रही है और आत्मस्वरूप में स्थित है, संपूर्ण आत्मस्वरूप में कनेक्शन से जोड़कर, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़कर 100 कला का पावर ले रही है और उसमें परम शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं, तो वो परम शांति के वाइब्रेशन 100 कला के हैं, तो 100 कला तक परम शांति के वाइब्रेशन जाके 100 कला के, यहाँ से जहाँ तक 100 कला के प्रभाव जाएगा वहाँ तक ही वो वाइब्रेशन फैलेंगे, एक से अनेक वाइब्रेशन बनेंगे और सभी के अंदर मूल में, जैसे वायु तत्व का या आकाश तत्व है, वायु के अंदर आकाश है तो आकाश तत्व में भी चेंज कर लेगा, क्योंकि आकाश तत्व जो दिखता है वो स्पेस में आकाश तत्व हम कहते हैं, आकाश तत्व भी चैतन्य शक्ति है, उसके अंदर मतलब एक आकाश में भी शक्ति होती है, मगर चैतन्य नहीं कहेंगे, मगर एक स्थूल आकाश तत्व में स्थूल शक्तियाँ होती है उसके अंदर भी, तो ये सब रिफाइन होगा। अभी मैं ज़्यादा क्या समझाऊँ, मगर आप तो पढ़े लिखे हो, साइंस पढ़े लिखे हो, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने तो
सीए करके लॉ किया, और हमेशा ही मैं इनकम टैक्स लॉयर बना, तो इनकम टैक्स लॉ के बारे में भी जानता पूरा नहीं, जान पाया तो ये साइंस तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, तत्वों में इतने प्रकार के तत्व है, कैसे रिएक्शन आते हैं, क्या होता है वो, तो मैं तो बड़े रूप से समझाता हूँ। परम शांति।